विधानसभा का विधायकों का परचम कौन लहराएगा? क्या अब अपना चुना हुआ नेता आपके क्षेत्र के विकास से सफल साबित हुआ? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने पहुंची हमारी MNS की टीम विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में, जिसके चलते विधायकों के काम और क्षेत्र का विकास इन्हीं मुद्दों को लेकर टीम ने की क्षेत्र की जनता से चर्चा। महाराष्ट्र के 63 नंबर की मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार बडोले, इनकी क्षेत्र की जनता का क्या कहना है? हम लोग इस वक्त मौजूद है मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का ही इलाका आता है, दिनकर नगर करके यह गाँव है। यह गांव एक्चुअली जो शरणार्थी के तौर पर आए थे बंगाल से, जो जब सन 1983 में जब यहाँ की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इनको शरणार्थी के तौर पर यहाँ पुनर्वसित किया था, और यह लोग भी इस देश के ही नागरिक हैं। और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं राजकुमार बडोले, उनके बारे में हम इनसे लोगों से कुछ सवाल करेंगे, और उनका क्या क्या विकासात्मक कार्य इस गांव को हुए हैं उस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अब हम लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बनमाली मंडल। मंडल जी, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है राजकुमार बडोले, उनके बारे में आपको क्या लगता है कि वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? नहीं, सक्रिय विधायक है। अच्छा, तो आपके गांव में क्या क्या योजनाएं उनके स्थानीय विकास निधि से आई हुई है? देखिए, ये तो जो हमारे ग्राम पंचायत सरपंच है, ये सरपंच साहब है, ये बोल सकते हैं। अच्छा, कौन सा सरपंच साहब, कौन कौन सा निधि आया हुआ है आपके गाँव में? सर, बडोले साहब ऐसे एक आमदार हमको मिला है इस क्षेत्र में, जो आज तक हमें ऐसा आमदार नहीं मिला। इन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे विकास किया। ये प्रधान अपना मुख्यमंत्री सड़क निधि के अंतर्गत ये कंक्रीट रोड अपने दिनकर नगर में 1200 मीटर की जो नाली, कंक्रीट नाली बन काम जो भी। अच्छा, शिक्षा संबंधित इस गांव में क्या क्या उनकी तरफ से ये? नहीं, शिक्षा संबंधित में कुछ नहीं हुआ, शिक्षा संबंधित पीछे। अच्छा, इस साल आपके गाँव में रोजगार हमीज के जो काम होते हैं वो चले क्या नहीं चले? इस साल नहीं चले, लेकिन क्यों, इसके पीछे का क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये है कि मुर्गा अपने क्षेत्र में फसल थी, डबल फसल जो बोलते हैं अपन, रब्बी फसल। हाँ। वो रब्बी फसल के पानी छूटा तो यहीं पे कोई जगह नहीं है कि यहाँ पे अपन काम कर सके। तो आपके ग्राम पंचायत को पैसा आया हुआ था रोजगार हमी का? नहीं, रोजगार हमी का जो क्या है, वो जो काम करने के बाद उसको जो मास्टर के हिसाब से वो पैसा आता है। नहीं, तो सरकार की योजना होती है कि जहाँ जिस गांव में काम चालू करना है या जिस ग्राम पंचायत को, सभी ग्राम पंचायत, अभी जहाँ जहाँ हम लोग गए वो सभी ग्राम पंचायतों में पैसे आए हुए थे, लेकिन कम पैसे आने के वजह से कहीं कहीं काम नहीं किया गया। तो आपके ग्राम पंचायत को आए थे पैसे? नहीं, ऐसा तो पैसे नहीं आता, वो जो अपन इमरजेंसी के काम किए उसके बहुत सारे काम के पैसे पेंडिंग है। अच्छा। वो लेट आए है और वो जब तक अपने स्थानीय जो BDO। अच्छा, आपके गांव में बिजली वगैरह बराबर रहती है? सब बराबर। और पीने के पानी की क्या व्यवस्था? पानी की कोई तकलीफ नहीं है अपने दिनकर नगर में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोगों के। अच्छा, उन्होंने आपके गांव के कितने लोगों को रोजगार के साधन मुहैया करा के दिए? नहीं, रोजगार हमी के माध्यम से? नहीं, रोजगार हमी नहीं, जैसा अगर मान के चलिए कि जैसा भी स्कूल में यहाँ का कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो उसको कोई स्कॉलरशिप वगैरह ऐसा कुछ मिला है उनके माध्यम से? हाँ, अपने अपन बंगाली में आते हैं और हमारे ओपन कास्ट में आते हैं, इसलिए हमारे थोड़ा सा विकास कम होता है, कोई भी शिक्षण के हिसाब से बोले या जो भी विकास का। अच्छा, आपके गाँव में बस वगैरह आती है? हाँ, बस आती है, दो बस हॉल्टिंग भी आती है, सुबह भी आती है और दिन में वगैरह आती है, 11 बजे एक आती है। आपको क्या लगता है आपके गांव का विकास हुआ है? विकास हुआ है। तो कैसा, यानी विकास में क्या क्या हुआ है आपके गांव में? मैं पुष्पनगर का हूँ, मेरा नाम दिलीप सिल है। अच्छा, पुष्पनगर में हमारा बांद्रा बनाया है। अच्छा। रास्ते के कंक्रीट रास्ता बनाया है और रोजगार में काम पहले हुआ था, इस साल डबल फसल के लिए यही साल नहीं हुआ, पिछले साल बहुत ही काम किया। अच्छा, बहुत काम पिछले साल हुए। अच्छा, आपके गांव में कुछ विशिष्ट तौर पर, यानी केवल बडोले साहब के जो स्थानीय विकास निधि होता है उसके माध्यम से कोई काम हुआ है? 25-15 के हिसाब से बहुत काम है। पहले से बहुत काम हुआ है, पहले से ज्यादा काम, बहुत ही काम। यानी आप मानते हैं कि उन्होंने सक्रिय तौर पर काम किया आपके एरिया? सक्रिय काम किया। सर, एक बात और है। हाँ जी। मैं ये दिनकर नगर, ये ग्राम पंचायत के सरपंच, मेरे अंडर में 3 गांव आते हैं, पुष्पनगर ये बी और दिनकर नगर। हाँ जी। हमारे गोंदिया जिले में 7 बंगाली गाँव है
अपने इस सब उनके क्षेत्र में आता है बड़ले साहब के, और उनके माध्यम से हमारे जो प्रॉपर्टी कार्ड है, सबसे बड़े जो चीज़ है हमारे बंगाली का, दो तीन चीज़ें जो हमारे कास्ट नहीं है, आज भी हमारे महाराष्ट्र में हमारे कास्ट की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद में हमारे ज़मीन की जो ये बर्गो दो की ज़मीन मिली है उसको एक में करने का था, और एक हमारे जो प्रॉपर्टी कार्ड जो हमारे यहाँ पुनर्वसन दिया है इसका हमारे होम प्लाट के कोई प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था, उनके माध्यम से ये सर्वे हुआ है दो साल पहले, और आज जो आज 11/9/2019 आज अरुण नगर गौर नगर गांव में आज उसकी प्रॉपर्टी कार्ड की बाटप भी हो रही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है उसकी उपलब्धि है? ये उसकी उपलब्धि नहीं, हमारे पूरे बंगाली समाज की उपलब्धि है, और अपने दिनकर नगर पुष्प नगर अगर दो चार गांव जो बचा है इनके सर्वे हो चुका है, इनके खाली अभी कार्ड आने को बाकी है, क्योंकि अभी जल्द अभी एक महीना पहले हो चुका है। अच्छा, जैसे पुनर्वसित जो गांव होते हैं इनको लगभग सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाता है, वैसे आप लोगों को कुछ मिला है? इसमें अपने को एक बोलना है, अभी जो आरक्षण की जो जीआर निकली है उसमें हमारे बंगाली लोग नहीं बैठ रहे, उसका एक कारण यह है कि उन्होंने 67 का जो पुरावा मांग रहा है, तो 67 के पुरावा हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम 70 में हमारे यहाँ पुनर्वसन हुई है। हाँ, और कुछ गढ़चिरौली जिले में हमारे बंगाली पुनर्वसन नहीं हुए, वो 64 का है तो वो दे सकता है, लेकिन उसके लिए हम गोंदिया जिला वंचित रहेंगे। देखा, जैसा कि आपने अभी हम लोगों ने लोगों से चर्चा की है, इसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो इस गांव के विकास में सक्रिय तौर पर रहे हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टा पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।